बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हम भूला की अधिकारी जी से यही कह रहा था कि मुझे आप लोगों ने मेरे बचपन में वापस कर दिया। वास्तव में बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपके आशीर्वाद से हम लोगों को पहुंचने, बैठने और संबोधित करने का अवसर मिला। आज इन छोटे बच्चों के बीच में मैंने महसूस किया है, मुझे अपना बचपन याद आया। मैं प्राथमिक विद्यालय टिकरी में विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा खंड शिक्षा अधिकारी जी से। मनवाड़ी का विकास खंड आज से नहीं, बहुत पहले से ये जनपद के प्राथमिक माध्यमिक या हायर जितने भी एजुकेशन है उनको जिले में जो है जिले से लेकर प्रदेश तक अपना प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ के शिक्षक बहुत ही ऊर्जावान है। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम की आज विधिवत शुरुआत आपके सानिध्य में। एक चक्कर जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हमारे जितने शिक्षक भाई हैं सभी ने इसको एक आयोजन के रूप में नहीं लिया, इसको उत्सव के रूप में लिया। इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया और उसका नतीजा है कि आज हमारे विकासखंड की रैली जो दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमारे सिकरहरा विकासखंड की कुछ ऐसी हस्ती है कि जो खत्म ही नहीं होती है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिकरहरा विकासखंड से ही शिक्षा का एक ऐसा अलग जगाया गया है जो कि आज पूरे जनपद में उसका नाम रोशन हो रहा है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। आज हमारे पूरे विकासखंड में हमारे 75 से 80 विद्यालय ICT से आच्छादित हो गए हैं और ये किसी सरकारी मदद से नहीं हुए हैं। यहाँ के शिक्षक अपने स्वयं के अपने अफर से अपने जेब से खर्चा किया है सिर्फ बच्चों के लिए। तो मैं खुद मुझको खुद अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे विकासखंड का शिक्षा अधिकारी हूँ कि जहाँ के शिक्षक शिक्षा के प्रति पूर्ति समर्पित हैं। और मुझे कुछ भी ऐसे कहने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ अगर आपने कुछ सोच लिया तो अगले दिन उसका क्रियान्वयन हो जाता है। स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं पधारे हैं बाल रूप में आपके बीच में।
युद्ध का जो माहौल बच्चों को मिलता है उनसे बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने में आती हैं। हम लोग विद्यालय स्तर पर जब खेल कूद कराते हैं तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहते हैं, और जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ मस्तिष्क भी उसमें रहता है, और उसी स्वस्थ मस्तिष्क से बच्चे पठन पाठन में मन लगा करके पढ़ते हैं। खेल कूद के प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में प्रतिभाएं निखर करके आती हैं। यही बच्चे आज इस स्कूल स्तर से ब्लॉक स्तर पर आए हैं, तो जिला स्तर पर जाएंगे, मंडल स्तर पर जाएंगे, और एक दिन यही बच्चे हिमा दास की तरह हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। और हम प्रयास करेंगे सबको साथ लेकर चले, और प्रयास भी रहता हो सकता है किसी थोड़ी बहुत छुट्टियाँ बड़े कार्यक्रम में हो ही जाती हैं, अगर किसी शिक्षक भाई किसी शिक्षिका बहनों को अगर किसी बात से या किसी आयोजन में किसी दिक्कत से किसी को चोट पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है एक तरह से, और सबका आभार प्रकट करते हैं। आप लोग ऐसे सहयोग और समर्थन बनाए रहेंगे। धन्यवाद।